सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर नेक्स्ट व्लॉग। मीट हर्षु, हर्षित। सब्सक्राइब कर दो गाइस। अरे रुकते हो तो आज हम जा रहे हैं जंगल के इलाके में और वहीं हम आज मैगी बनाने वाले हैं। कितने? 10 पैकेट। 10 पैकेट आराम से। मतलब भाई भाई भाई, तो 10 मैगी पैकेट बनेंगे तैयार और हम कुछ 12-13 लोग होंगे। भोज पार्टी करने वाले। तो हाँ, जैसे डिनर पार्टी, लंच पार्टी शहरों में बोलते हैं, वैसे गांव बोलते हैं भोज पार्टी। भोज माने फूड। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। पूरी जनता हो गई तैयार। ये रहा पतीला। ये पतले पतले लगे कटे कर। इसे पानी, इसमें मैगी होगी और शिवानी लगी है छाटे निकालने ताकि हम आग जला सकें। आग जलाने का स्रोत क्या है? अच्छा, माचिस लाए। नहीं नहीं, इतने से तेरा दिमाग। और ये शेरू रखवाली के लिए। तो अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जंगल में बनाया कि यहीं रास्ते बना दे, क्योंकि जंगल में इस टाइप के काफी सारे पत्ते गिरे हैं चीड़ के पेड़ से, तो वो आग पकड़ सकता है। और सफर काफी अभी ज्यादा है, थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा, बट स्टिल वी आर चूजिंग टू गो थोड़ा ऊपर और साफ सफाई करने के बाद जलाएंगे ताकि जंगल में आग ना लगे। और शेरू हमारा रास्ता लीड करते हैं। शेरू सूंघता है, शेरू को सब पता है कहाँ जाएंगे। पहुंच गए होंगे कहीं ना कहीं तो। और ये मंदिर, शिव मंदिर, हमने ये डिसाइड किया कि ज़्यादा जंगल की तरफ नहीं जाएंगे, नहीं तो आग लगने का खतरा है। गर्मी बहुत है तो इस वजह से यहीं ऊपर हम एक छोटा सा चूल्हा बनाएंगे, देसी चूल्हा। और ये है हीर, गांव की फेमस डिश। ऑरेंज फ्लेवर होता है इसका। ग्लोथ हमारा और पार वाला गांव। कौन सा वाला? पार वाला जी, पानी का। और ये तो है ग्लोथ, और वो जो उधर पहाड़ी में है उसे बोलते हैं हम कूल गांव। कून मुझे लगा कूल ठंडा। कून। और ये जो रास्ता जा रहा है आगे पहाड़ी से कटता हुआ, ये जाता तत्ता पानी है ना। हां जी, तत्ता पानी आता ना, जो कि उस पहाड़ के पीछे है। ये हमारा शिव मंदिर ऊपर। ये वाला, ये धार वाला, ये शिव मंदिर, ये धार गांव नहीं, धार देवता। अच्छा, धार देवता का नाम है धार, तो उनका मंदिर है। नरसिंह देवता का मंदिर भी है यहाँ पे। हमारे इष्ट देवता कहाँ है? यहाँ पे। अच्छा, तो ये जो मंदिर है यहाँ पे वाइट, ये नरसिंह देवता का मंदिर है। ये मंडोड, ये मंडोड देवता का मंदिर। पांच छह मंदिर यहाँ पे। तो आप सभी को जैसे पता होगा 33 करोड़ देवी देवता होते हैं और हिमाचल का नाम देवभूमि है, तो यहाँ पे हर जगह लोकल देवी देवता बहुत है, तो उनके मंदिर यहाँ पे छोटे छोटे होते हैं ताकि लोगों को आसानी हो प्रेयर करने में या कोई भी त्यौहार हो तो मंदिर की तरफ जाने के लिए। पहले कुछ सदस्य पहले आगे पहुँच चुके हैं, हम थोड़ा आपको व्यू दिखाते हुए चलेंगे, थोड़ा लेट उन्हें ज्वाइन करेंगे। तो हर्षु, कौन सी क्लास में हो तुम? 9th क्लास में। तो कैसे बढ़े आगे? हाँ जी, गवर्नमेंट की दुआ से कि पढ़ाई से? पढ़ाई से। झूठ नहीं। तो एक और मेहमान जुड़ता हुआ, छोटी सी मुन्नी। तो दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं माता के मंदिर। और ये पुराना रास्ता था ना ग्रोथ का, और डिपो भी यहाँ पे। तो ये पुराना रास्ता था गांव की तरफ आने के लिए, मगर अब नीचे से नया बन गया क्योंकि लोगों को थोड़ा पुराना रास्ता ये नहीं है। अच्छा, तो ये मंदिर का रास्ता है, ये पुराना रास्ता है और उसके नीचे नया रास्ता। और ये सामने पहाड़, काफी ऊंचा पहाड़ है यहाँ पे। शुरू। सामने सूरज चमकता हुआ, क्या दृश्य है। उफ, कितना बड़ा लग रहा है इसमें। देखिए सूरज, देखिए कैमरे में।
हाँ। असली शेप पता चल रही है। तो यहाँ हम करेंगे अपनी भोज पार्टी, लंच प्लस डिनर का बीच में, क्या बोलते हैं लंच, लनर ल्यूनर। यहाँ पत्थर भी हैं तो वी कैन सिंपली मेक अ, पड़े पड़े पत्थर हैं तो चूल्हा बना सकते हैं हम। तो ये चूल्हा बनाने की तैयारी। अरे गिरी थोड़ा पानी, बेवकूफ ये देखे तुंदे चमन चाचू वाला का नहीं है जति की तेती। थोड़ी देर में सनसेट भी जाएगा यहाँ पे, और ये पूरा जंगल। बहुत ही सुंदर नज़ारा। टमाटर पहले नहीं डालने होते थे। क्या करें अब हम डालती हैं। ट्रेंड को क्यों? तो भी मैंने बोला था आजा आजा। प्याज ही नहीं वो होगा ना अगर। प्याज हमने कच्चा ही रखना था। अच्छा कच्चा रखना था। तेल ही नहीं था इसमें। अरे डालो पहले पानी डालो। आज तो बुला रहा भैया क्योंकि मैं गया वेस्ट करा रहे हो। रुक जी रुक जी रुक जी रुक। ये वाला आधा पच्चीस। ये हमारी मैगी है, ये हमें हमारी पार्टी हो रही है। जंगल में मंगल शायद इसी को कहते हैं। बहुत ही जंगल में मंगल की मैगी। हाँ बहुत ही सुंदर दृश्य, और थोड़ी देर में आपका जंगली जानवर से भी सामना भी दिखाया जाएगा आपको। तो दोस्तों हमारी मैगी हो गई है तैयार, हालांकि प्याज ढंग से चॉप नहीं हुए थे थैंक्स टू शिवानी, बट यस फिर भी बड़ा स्वाद लग रहा है। और कटोरी में कम कम डाला जाए कि 14 लोग हैं और एक कुत्ता इंक्लूडिंग, टोटल 15 काफी है, हो जाएगा इतना इतना। सो स्टार्ट तो हमने किया मगर बीच में मामू सारा श्री लेते हुए हमारी मेहनत का, मगर कोई नहीं, इन्होंने चार लोगों के बाल काटे हैं, कोई आज बहुत काम किया है। टेस्ट करो टेस्ट कैसी बनी है। अरे 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 भाई 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 भाई, हाँ भाई कैसी बनी, अच्छी नहीं है, नमक ज्यादा है, नमक ज्यादा नहीं, फिर अच्छी बनी है, मुझे सब्जी पसंद नहीं, मैगी पसंद सब्जी पसंद नहीं है। ओहो क्या यार शिवानी हद हो गई, अलग से बनानी थी, अलग से क्यों नहीं बनाई, छुपा खिलाओ क्या, टमाटर छांट दो, टमाटर छांट लो ऊपर से। मेरी मम्मी को क्या आता बनाना, मैंने खाया एक दिन कहीं आता, मैंने मेरे को नहीं पता झूठ बोलती है, इतने दिनों से मैगी बनाई थी, नहीं बनाई थी मैंने, को नहीं पता वो स्वादिष्ट थी।
मुझे तो बिल्कुल अच्छी लगती है। तू तो बोल रही है तेरी तो मम्मी हो, तू तारीफ करेगी करेगी। केक बनाते हैं। तू तो अपनी मम्मी की तारीफ करेगी करेगी, वो स्वाद नहीं थी वैसे। नहीं खा रही है मगर तारीफ घूमनी। हाँ मुझे तो उनकी पसंद है ज़्यादा। तो ये क्यों खा रही है फिर? खानी तो पड़ेगी। इधर देखे शेरू को देखे उसकी साड़ी ट्रेन खानी। ये अच्छी नहीं बनी? नहीं ऐसा भी तो मैगी ऑलमोस्ट फिनिश है, ऑलमोस्ट का मोस्ट है, खत्म ही है मतलब। आखिरी कुछ दो तीन लोग बचे हैं और ये टंकी ने खाई नहीं। और चलो भाई चलो, पूरा पिकनिक भोज पार्टी खत्म होते हुए और सनसेट भी हो चुका है। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय एवरीवन। हम भांडे मांजने हुए।